एम फंड में 10 अरब रुपए से ज्यादा रकम जमा हो गई। वजीर आजम इमरान खान की कौम को मुबारकबाद, ट्वीट में पैगाम लिखा, दिया मीरभाषा डैम के लिए एहतियात पर आवाम खैराज तहसीन के मुस्तहिक है। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लग गईं। जर्मनी और तुर्कमानिस्तान के वज़राए खारजा पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों रहनुमा आला क़यादत से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। खित्ते में अमनो अमान और अफगान अमन अमल पर बातचीत होगी। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी तआवुन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुस्लिम लीग कौफ की क़यादत आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेगी। मुलाकात में वफाकी और पंजाब हुकूमत के इत्तेहादी उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास, आज नकाती एजेंडे पर गौर। पाकिस्तान पोस्ट का माली बहरान, अंदरून मुल्क डाक के नए नर्ख मुकर्रर किए जाएंगे। वज़ारत सनअत व पैदावार के 2 अरब मालियत के रमज़ान रिलीफ पैकेज पर ब्रीफिंग। वज़ारत आबी वसाइल की बड़े डैम आबाशी के ज़ेरे तामीर मंसूबों पर ब्रीफिंग। और सरकारी ठेकों में शफाफियत के लिए ई टेंडरिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फैसले की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक सिस्टम के जरिए ठेकों में शफाफियत आएगी और बदउनवानी का खात्मा होगा।